मैं सीमा मैनी हूँ, HS हूँ इस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरेश नगर स्कूल की। और हमारा ये हंगर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चल रहा है। सुबह हम 12 बजे के करीब खाना शुरू करते हैं, कभी 11:30 भी कर देते हैं आजकल, और शाम को 6 बजे के करीब अच्छी क्वालिटी का खाना आ रहा है। और बाकी आप लोगों से पूछ सकते हैं। रोज़ की 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, मॉर्निंग में टीचर आती है और इवनिंग में मैं खुद देखती हूँ। ये दिल्ली सरकार सारी व्यवस्था कर रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था, और अच्छी व्यवस्था चल रही है। पहले 500 लोगों के लिए खाना आ रहा था, फिर रिक्वेस्ट भेजी हमें कम पड़ रहा था, तो अब 650 लोगों के लिए खाना रोज आता है। सुबह शाम के एक टाइम का? नहीं, दोनों टाइम। हाँ, दोनों टाइम 600 लोगों के लिए। हाँ जी। तो इस क्षेत्र के लोग होते हैं कि दूर से भी लोग आते हैं खाना? अभी एक गवर्नमेंट की तरफ से हमें आया था, तो हमने इन लोगों का एक एक्सेल शीट बनाई है, तो मोतिया खान से, सदा बाजार से इस एरिया के लोग हैं, ज़्यादातर सदा बाजार और मोतिया खान के लोग हैं। सभी सेफ्टी का पालन कर रहे हैं, डिस्टेंस का? हाँ, सब सोशल डिस्टेंसिंग में मुझे कोई इश्यू नहीं है, बाकायदा सबकी ड्यूटी लगी हुई है। ये सेंट जॉन से आते हैं मॉर्निंग में, सिविल डिफेंस वाले भी 2 लोग आते हैं, या पुलिस थाने से, चौकी से अगर फ़ोन करो तो भी आते हैं, और अदरवाइज भी एक चक्कर तो सुबह शाम लगाते हैं। SHO सर ने ड्यूटी लगाई हुई है। लोगों का क्या कहना है कि दिल्ली सरकार कितना सहयोग मिल रहा है, जो लोग खाने को मिल रहा है? एक्चुअली खाने की तरफ से देखें तो सहयोग मिल रहा है, बाकी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं है बाहर, क्योंकि मैं भी थोड़ा दूर रहती हूँ। और खाने के हिसाब से मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। खाने की क्वालिटी भी ठीक आ रही है और लोग सेटिस्फाइड है। अभी आपने देखा 20 लोगों का खाना लेके जा रहे हैं पर्सन, तो खा रहे हैं तो लेके जा रहे हैं, और अब तो 2 महीना होने को आगे हम अपना काम कर रहे हैं। मॉर्निंग में टीचर चल रहा है, ड्यूटी लगी हुई है टीचर्स की भी, रोज़ मॉर्निंग में 11:30 बजे टीचर आ जाती है 11 बजे, और इवनिंग में मैं खुद आती हूँ।